न्यूज टुडे इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपोखर के गुती ग्राम पंचायत में, जहां पे यहां का भी आज प्रधान गठन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। और इस पूरे प्रधान गठन में जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया कि तृणमूल कांग्रेस का इस बार भी गुती ग्राम पंचायत में कब्जा हो चुका है। एक तरफ जहाँ पे प्रधान सिलेक्शन किया गया है, तो वहीं उप प्रधान के लिए दो लोगों का नॉमिनेशन किए थे, उसमें से TMC ने जो है अपना कब्जा जमा है। इस पूरे पर्दे के पीछे जिन शख्स का दिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का हाथ था, उनमें से एक नाम है कैसर रिजवी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, बताइए कि जिस तरीके से पंचायत इलेक्शन इस मरतबा का हुआ, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का गुत्ती ग्राम पंचायत में दखल करना, पूरे प्रोसेस, पूरी कहानी, कितनी मुशक्कत, कितनी मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को? देखिए, 8 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, 9 तारीख से नॉमिनेशन, उसके बाद हम लोग बैठे, काफ़ी हम लोग मीटिंग किए और पार्टी के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत किए। हम लोग का पूरा गुत्ती GP में 20 मेंबर है, 20 में हम लोग 13 हम लोग का TMC पार्टी से जीत के आए हैं, 4 इंडिपेंडेंट है और 3 INC है। काफ़ी हम लोग को मेहनत करना पड़ा। हमारे जो बड़े लीडर थे, वजीर भाई हुआ, प्रधान हुआ, हम लोग हुए, हम लोग का फजलुर रहमान हुआ, हम लोग बैठ के टिकट सिलेक्शन किए करके हम लोग फील्ड में उतरे। और हम लोग गोती अंचल में पिछला मरतबा भी हम लोग का TMC का ही दखल था, इस बार भी हम लोग का TMC का ही दखल हुआ, प्रधान हुआ, प्रधान हम लोग का TMC पार्टी का ही बना। तो TMC का जो प्रधान हुए, किसको बनाए और अनकंटेस्ट कैसे हो गया, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर प्रधान जो है एससी है और दोनों SC मेंबर हम लोग का पार्टी का ही है, दोनों का ही पार्टी का ही है। हम लोग बैठ के अंडर रजिस्ट्रेशन कर लिए करके हम लोग बिना दास को अनैमसली हम लोग सिलेक्शन कर लिए उसको। और उपप्रधान के लिए? उपप्रधान के लिए हम लोग अमरीका बानो को प्रस्ताव किए, समर्थन हुआ। हमारा जो विपक्ष दल है कांग्रेस INC, चूँकि उसके पास प्रधान का कैंडिडेट नहीं था तो वो तो ऐसे ही सिलेक्शन हो गया, लेकिन उपप्रधान के लिए वो लोग कैंडिडेट दिए, देवन हेमरम को वो लोग कैंडिडेट के INC से वोटिंग हुआ। वोटिंग में हमारा अमरीका बानो जो उपप्रधान बनी उसको 17 वोट मिला और देवन हेमरम जो INC की तरफ से कैंडिडेट हुआ उसको 3 वोट मिला। चलिए, तो ये तो पूरी प्रक्रिया है। कृष्ण साहब, ये बताइए, इस पूरे गुती ग्राम पंचायत में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने आज कब्जा जमाया एक बार फिर, तो पूरे गुती ग्राम पंचायत को आप तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से क्या संदेश, क्या मैसेज रहेगा? हम तो ये संदेश देंगे कि हमारे जितने भी वार्ड से हमारे वर्कर लोग मेहनत किए, काफ़ी TMC पार्टी के लिए खटे, उन सबों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि TMC पार्टी को इतना आगे बढ़ाया। और हम मैसेज देना ये चाहेंगे कि चूँकि मैं दोबारा रिपीट हुआ हूँ, पिछला मरतबा मेरा वाइफ जीती थी और पार्टी ने उसको उस वक्त उपप्रधान बनाया था, उपप्रधान थी वो पिछला अंचल, और फजलुर रहमान उसका वाइफ अजमीन निशा वो प्रधान बने थे। पिछला मरतबा हम लोग चलाए, इस मरतबा भी हम लोग जो हम लोग का काम अधूरा था, हम लोग बहुत सारा काम किए हैं, बहुत सारे लोगों का हम लोग लक्की भंडार कर दिए हैं। हम लोग TMC पार्टी ऐसे ही नहीं जीता, हम लोग जनगण के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग घर घर जाके पूछते हैं, जितना भी लोगों का हम लोग लक्की भंडार हुआ, जो भी काम हुआ, हम लोग पेपर्स घर में बुला के अपने हाथ से ला के हम लोग फॉर्म भर के जमा किए हैं। इससे TMC पार्टी के जितने भी लोग, यानी जो आम आवाम है, वो खुश है कि जिस तरह से दीदी के दौर में जितना उन्नयन हुआ है, किसी भी इसमें CM में इतना उन्नयन नहीं हुआ है। इसीलिए लोग आज TMC पार्टी को भुला नहीं पाते हैं और हमारा 13 मेंबर जीत के आए हैं, आज हम लोग का बॉडी बना। हम तो यही कहेंगे कि हम लोग का जो अधूरा काम है उसको हम लोग इस बार इंशाअल्लाह करेंगे। जिन लोगों का भी काम बाकी है, ये नहीं खाली TMC पार्टी का, बल्कि हमारा जो विपक्ष पार्टी है, उन लोगों का भी हम लोग घर घर जाएंगे, उन लोगों को भी हम लोग कहेंगे आपका कोई अगर काम बाकी है तो आप हमको दीजिए, हम आप लोगों का भी काम करेंगे। मैंने पूरे एकदम आवाम का काम आप हम लोग करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कैसे साहब, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सीधे तौर पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उप प्रधान साहिबा हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, उप प्रधान बन गए, आपकी वाइफ क्या? मैं हम तो बोलेंगे जो जनगण आबार भोट दिए से जेटा पर्यंत चले आसछि, आसार पोरे एखन ग्राम पंचायत जेटा हलो सबाई मिले आबार प्रधान उप प्रधान गठन करलो, एखन भोट होइछे ओइभावे जेटा कैसर सब बोललो। तहार काजेर बेपारे तो कयेकटी स्कीम आछे, ओगुला काज करते होबे जेभावेई होक ब्लक होक ডিস্ট্রিক্ট লেভেল হল, যেখানে যে যেটা কাজের সেকশন আছে ওখানে গিয়ে ওই কাজগুলো টানে নিয়ে আসতে হবে, কাজ করতে হবে। জনগণকে কি বার্তা দিবেন আজকে? জনগণকে তো ধন্যবাদ দেবো, সবাইকে ভোট দিয়ে জিতা আছে, সবাইকে ধন্যবাদ দেবো। আপনার শুভ নাম?
अब्दुल रशीद। तो सीधे तौर पर अब्दुल रशीद साहब की जो है वाइफ हैं वो उप प्रधान बनी हैं, और इधर मास्टर कैसर साहब हैं खुद इस बार जो है वार्ड सदस्य जीत के, इससे पहले भी वो इस पंचायत में रह चुके हैं और डेवलपमेंट का काम हो और भी दिगर काम हो पंचायत के थ्रू से वो कर चुके हैं, लोगों के पास जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब नज़र आ चुका है कि ग्वालपोखर के आज जो 5 ग्राम पंचायत में बोर्ड का गठन हुआ उनमें सबों 5ों में जो है तृणमूल कांग्रेस कहीं उप प्रधान तो कहीं प्रधान ऑन कंटेस्ट बनी, और साफ तौर पर यह कहा जाए कि तृणमूल कांग्रेस का ही जो है 5ों ग्राम पंचायत में दबदबा रहा। इसी तरह की तमाम तरह की न्यूज़ों के लिए आप हमसे जुड़िए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।